ये आप पहली झलक देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू है। ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे दर्शन करने हैं माता के, और हमें ये मिला प्रसाद। गाइज ये आप लोग इधर देख रही हो, छोटे छोटे स्टॉल है। कितनी प्यारी शक्ल है इसकी। जैसे आप अडिम्बा टेम्पल की पार्क में पहुँचते हो तो यहाँ पे पार्किंग थोड़ी कॉस्टली लगी मुझे। जो बाइक है, बाइक के लिए अराउंड है भाई 50 रुपीज़ और गाड़ी के लिए 100 रुपीज़। लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो ये रास्ता, पहले मैं आया था तो रास्ता दूसरा था, पता नहीं ये लोकल स्ट्रीट से बना दिया है, होगा पहले भी लेकिन मैं इससे आया नहीं हूँ। और यहाँ पर आप बच्चों का इंटरटेनमेंट का सारा साधन है, जैसा हर टूरिस्ट प्लेस पर होता है वैसे आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और भाई आपको मुश्किल से 40 या 50 सीढ़ी चढ़ के आना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं वो व्यापार देखने को मिलेंगे। जैसे इनके पास रैबिट है, किसी के पास बकरिया बच्चा है, आप चाहो तो इसको गोद में लेके फ़ोटो उतरवा सकते हो, जिसकी कॉस्ट होगी अराउंड 50 से 200 रुपीज़, वो डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन पे। ये आ गया हमारा हडिम्बा टेम्पल भाई, जो आप सामने देख रहे हो। गाइस जैसे आप लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हो ना, तो सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद ना काफ़ी कुछ यहाँ पे आप लोगों को रोक के बोलेंगे कि आप पहले तो रैबिट के साथ में फोटो खिंचवा लो, और फिर बकरी के बच्चे के साथ। एक जगह रास्ते में हमें बोला बकरी के बच्चे के साथ आप फोटो खिंचवा लो, तो अभी तो बोला मेरे घर भैंस है, मैं भैंस के साथ खिंचवा लूंगा। फिर यहाँ पे ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस है जो यहाँ पे हिमाचल का, वो पहना के वो फोटो, कपल फोटो ऐसे कराते हैं, तो वो भी यहाँ पे बोलते हैं। मतलब यहाँ पे काफी अच्छा खासा चूना लगा सकते हैं आप लोगों को, तो कृपया करके इन चीजों से बचे और आगे बढ़े। अभी हम लोग इधर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और आप मेरे पीछे शुगर कैंडी देख रहे होंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं लूंगी जरूर। मुझे भूख भी लगी हुई है, पहले हमें खाना खाना था बट हमने खाना नहीं खाया, मंदिर पे जल्दी पहुंच गए और इसको अभी अंदर जाने की लगी है, तो चलते हैं अंदर। केसर ले लो, केसर। और ये आप पहली झलक देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर मंदिर है, काफी पुराना है। मेरे पति को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो थोड़ी देर में मैं इनसे लूंगी। पहले दर्शन करते हैं उसके बाद। हाँ, ये अमित को पुरानी याद आ गई है। ये अब से कितने साल पहले आया था यहाँ पे? 11 साल पहले। तब इसने यहीं पे सेम लोकेशन पे ऐसे फोटो उतरवाई थी, इसके पास है, तो अभी भी ये वही सेम पोज दे के यहाँ पे फोटो उतरवा रहा है। लास्ट टाइम आया था मैं जून 2019 में, जब हम गए थे आगे। हाँ, चलो अभी पहले पोज दो, फिर लेट हो जाएगी। नहीं, वो बैठ के बैठने वाली उसमें दो बंदे थे। हाँ तो बैठना फिर। ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे दर्शन करना है माता के। इधर से एंट्री है और उधर से एग्जिट है, तो अभी भी हम लोग शूज उतार के आते हैं इधर, उसके बाद हम भी जाते हैं दर्शन करने माता के। भाई जैसे आप मंदिर में पहुँचते हो, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सूर्य रखे हुए हैं, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सूर्य रख सकते हो। ये भाई मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, सींग लगे हुए हैं ना, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है जो अराउंड 24 मीटर ऊंचा है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ये तो असली वाले हैं, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन है। वही जैसा कि आपको बता था, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, और हमें ये मिला प्रसाद। आप अपनी श्रद्धा से कितना भी दान कर सकते हो अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी चलते हैं हम अपने शूज पहन पे, बूट। गाइस ये आप लोग इधर देख रही हो, छोटे छोटे स्टॉल है। और भाई जब मैं 11 साल पहले यहाँ आया था तो यहाँ पे कोई शॉप नहीं थी, जो सारी दुकानें थी वो आगे थी, तो अभी तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी है मतलब। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ये ऐसे सिल्वर में ऑक्सीडाइज जितने भी ये होते हैं सारे नेकलेस। भैया ये किस रेंज में है? तो बता देना, 150। ये 200। मुझे तो मालूम नहीं ये कॉस्टली है या ठीक है, बट ये 150 200। भैया बार्गेनिंग भी है क्या?
बार्गेनिंग भी है कुछ मोल भाव? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ने मुझे अभी बोला है आप ये बताओ कौन सा लेना है, फिर थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो हमारी जो फेवरेट चीज होती है, जो हमने अपना टारगेट किया हुआ है कि हमको हर जगह से जहाँ भी जाएंगे हम टूरिस्ट प्लेस पे, हमें सब जगह से वो लेके आनी है मैग्नेट, तो वो यहाँ पे मिल गए। ये मैग्नेट है भाई, काफी बड़े बड़े हैं, ये छोटे वाले नहीं है। पर भैया ये तो लकड़ी जैसा लग रहा है ना? ऐसे ही होते हैं लकड़ी। हाँ। नहीं यार लकड़ी नहीं, देखने में किस रेंज में अभी है? 50 रुपए भैया। क्या सारी चीजें महंगी है लकड़ी में, इतना मतलब महंगा? 50 से नीचे क्या मिलेगा? अरे भैया अब देखो ये कॉटन कैंडी कितने की है भैया, थोड़ा लेस करो, हम 2-3 ले लेंगे। कम कर ले यार, ये तो कम करने की पड़ेगी, 2-3 ले लेंगे भैया, कर ले क्योंकि मैं बोल भैया वो उसमें छोड़ो बार्गेनिंग, इसमें कर लो। ये देखो कैसा मुंह करके बोल रहा है। कर लो भाई कुछ तो कर लो, चल 3 दे दे यार, दे दो 100 रुपए। ठीक है यार कर ले भाई। भैया 3 दे दो 100 में, कोई बात नहीं भाई। प्लीज भैया, भैया के साथ बार्गेनिंग नहीं हो रही है, भैया कर नहीं रहे हैं। चल मुझे ये छोड़ के जाना पड़ेगा। और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम एक भी मैग्नेट वहाँ से लेके नहीं आए, क्योंकि हमारा मोल भाव नहीं बना उन भैया के साथ। मोस्टली आप जहाँ भी जाते हो तो 30 रुपए जो मिल जाते हैं, इन्होंने 50 रुपीज मांगा। तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जरूरी नहीं आप जिस पे सबसे पहले देखो वहीं से खरीदो। नहीं अभी हम आगे ट्राई करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो एक लेके चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। पर हमारे लिए 2 लेना कंपलसरी है। तो अभी चलते हैं आगे। और ये यहाँ पे कुछ बच्चों के खिलौने या फिर बच्चे झूले, इनमें झूल सकते हैं। ये काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बच्चों के लिए, ऐसे आप भी फोटो खिंचवा सकते हो। ये यहाँ पे कोई गेम है शायद। देखो अगर मैं भी वो ड्रेस पहनती हूँ नाली ड्रेस, तो ऐसे फोटो खिंचवा रही होती एक कोने में बैठ के। यहाँ पे ये देखो बड़े ही सुंदर सुंदर याक है, यहाँ पे इनकी सवारी भी ले सकते हैं। इनका चार्ज पूछना कितना चार्ज करते हैं यहाँ पे इन पे बैठने के लिए? भाई क्या चार्ज देंगे इसका? भाई यहाँ फोटो खिंचवाने का 50 लेते हो? यहाँ बैठो फोटो खिंचवाने का? ओहो नहीं, छोटा सा राउंड के लिए भी बिल्कुल यहाँ से। कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, कटिंग भी कितनी सुंदर हो रखी है। और गाइस जहाँ पे ना ये याक की जो वहाँ पे सवारी करवा रहे थे, हमने वहाँ पे काफी नोटिस किया है जब से हम लोग यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं कि साउथ इंडियन इधर काफी आए हुए हैं। मुझे लगता है वेकेशन मनाने के लिए मनाली और इसी जगह पे ज्यादा आए हुए हैं इस टाइम पे। तो जो नहीं आए हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उधर से साउथ से, तो वो भी आए इधर अपनी छुट्टियां मनाने और एंजॉय करें मनाली में आके। इधर काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। लड्डू तीर धनुष खेल ले। गाइज मैं ना आज यहाँ पे बूट पहन के तो आ गई, बट ये ना यहाँ पे कहीं कहीं पे कच्ची मिट्टी है, तो उसमें ना ये पेंसिल हील है बूट की, तो ये बिल्कुल अंदर ऐसे घुस रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कहीं कहीं किसी किसी जगह पे। आप कुछ बोलने वाले थे भाई? अभी हम आपको बताते हैं भाई हडिम्बा टेम्पल के बारे में थोड़ा सा। वैसे जो हिस्ट्री है वो आप गूगल पे ही पढ़ सकते हो भाई। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा था लकड़ी का, ये 1553 में बनाया गया था, यहाँ के महाराजा थे बहादुर सिंह, उन्होंने बनाया था ये। और मनाली से रिलेटेड एक दो चीज़ें और बता देते हैं आपको। जो मनाली है इसकी जो एवरेज हाइट है वो भाई 6700 फिट है, 6700 फिट। जो मनाली है, मनाली को गेटवे भी कहा जाता है लाहौल एंड स्पीति वैली के लिए और लेह लद्दाख के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और एक और बात भाई, यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर सर्दियों में वो -7 से लेके 15 तक रहता है, और गर्मियों में 10 से लेके 30 तक जाता है। वैसे इस जगह को देख के लगता नहीं यार 30 तक टेम्परेचर जाता होगा। गाइस मैंने ना यहाँ पे बैठ के फोटो उतरवाई है अभी अमित से, जो बहुत अच्छी आ रही है, शायद थंबनेल पे आपको वही फोटो देखने को मिले।
काफी अच्छी फोटो आई है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हडिम्बा टेम्पल के साथ ही है घटोत्कच टेम्पल, और आपको बताते हैं हडिम्बा टेम्पल फेमस क्यों भाई। जो हडिम्बा टेम्पल है, ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत काल था तो उस टाइम पे जो हडिम्बा थी, जो भीम थे, बाहुबली भीम, उनकी पत्नी, तो वो यहाँ पे रहती थी। एक गुफा मंदिर है अपने भाई हडिम के साथ, और उन्होंने वो तले रखी थी कि भाई जो भी मेरे भाई को हराएगा मैं उसी से शादी कर लूँगी। तो बाद में यहाँ पे जब भीम पांडव आए तो भीम का और हडिम्बा के बीच में भी दुआ, हडिम्बा की या भाई की? हडिम्बा बहन का नाम था और हडिम भीम का नाम था। तो फिर भीम से उनकी शादी हो गई, और ऐसा माना जाता है कि जो हडिम और उसका परिवार वो यही रहता था। अच्छा गाइस, अभी हमें लगी है भूख, हम जाते हैं अभी कुछ खाने। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इधर से। अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट है लोकल, वो भी काफी है, आप यहाँ से काफी सारी शॉपिंग कर सकते हो। मतलब एक तो होता है कि मंदिर है कहीं पे, वहाँ पे ऐसी चीजें ना हो, आप सब्जी कपड़े ना भी लेके आओ तो यहाँ खरीद सकते हो। हाँ, और ये देखो कितने सुंदर सुंदर है, ये सब हैंडवर्क है। अमित को दिखी यहाँ पे लोकल डिश सिड्डू, जो आप देख रहे होंगे ये। अमित ने सोचा कि मैं ये ट्राई करता हूँ, मैंने ऑर्डर किया है राजमा चावल, और ये खाया गया यहाँ पे लोकल डिश सिड्डू, नाम बहुत अच्छा है। ये अमित के मोमो आ गए, और ये आ गई भाई लोकल डिश सिड्डू। ये चावल की है क्या? चावल की, इडली जैसी बनी हुई है, जैसी इडली बनती है। अच्छा, ट्राई करो, टेस्ट करो। और भाई देखो यहाँ पे पाइथन के साथ भी आप फोटो शूट, वीडियो शूट करवा सकते हो। गले में लगा लो यार। मैंने